अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, सोने यानी गोल्ड का शुमार दुनिया की कीमती तरीन धातों में होता है। सोने के जेवरात और बर्तन तो आम इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर कुछ लोग सोने से बने कपड़े भी जेबे तन करते हैं और बाज अफराद तो इस जनून में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि सोने के वर्क चढ़ी गाड़ियां और जहाज भी खरीद लेते हैं। कदीम जमाने से ही दुनिया में कीमती चीजों में सबसे ज्यादा अहमियत सोने को हासिल रही है और ये रुझान आज भी जूं का तूं मौजूद है। लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े ममालिक भी अपनी दौलत को महफूज बनाने के लिए सोना स्टॉक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना जमीन के अंदर कैसे बनता है और इसको निकाला कैसे जाता है? पाकिस्तान के कौन कौन से मकामात से सोना निकाला जाता है और पूरी दुनिया में इस वक्त कुल कितना सोना मौजूद है? इन तमाम सवालात का जवाब तफसील से जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस कीमती मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पहला और इंतहाई आम सवाल यह है कि सबसे पहले जमीन के अंदर सोना कैसे बना। साइंस इस बारे में कहती है कि आज से कई बिलियन साल पहले जब हमारी जमीन तख्लीकी मराहल से गुजर रही थी तो इस सियारे पर शहाबे साकिब और पत्थरों की बारिश की वजह से एक धात वजूद में आई जिसे सोने का नाम दिया गया। पत्थरों की यह बारिश तकरीबन 200 मिलियन सालों तक जारी रही और जमीन के बनने के दौरान पिघला हुआ लावा जमीन के मरकज में धंस गया जिसे जमीन का कोर बना और बहुत सी धातें वजूद में आने लगी। दूसरे सियारों से आने वाली ये धातें इंतहाई कीमती थी, जिनमें सोना और प्लाटिनियम भी था, जिनका कुल वजन अरबों टन था। क्योंकि ये तमाम धातें जमीन के कोर के अंदर पड़ी हुई थीं, इसलिए ये खजाना करोड़ों सालों तक इंसान की दस्तरस से बाहर रहा। लेकिन गुज़श्ता 4 सदियों से इन कीमती धातों और खास तौर पर सोने को निकालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। जमीन में सोने की तलाश भी इंतहाई दिलचस्प मरहला है। जमीन में सोने की तलाश तेल और गैस के जखायर मालूम करने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए ही की जाती है। इस टेक्नोलॉजी को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी GPR कहा जाता है। GPR उस इलाके की खसूसियात को रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से मालूम होता है कि इस जमीन में कौन कौन सी धातें मौजूद हो सकती हैं। इस काम के बाद जमीन के अंदर ड्रिल करके इसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर टेस्ट की जाती है, जिससे हतमी मालूमात हासिल हो जाती है कि मतलूबा जमीन में कौन सी धात कितनी मिकदार में मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा जेरे जमीन सोना, सिल्वर और कापर के जखायर तलाश करने के लिए VLF टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाता है। इस मकसद के लिए जेरे जमीन लहरें भेजी जाती हैं। जब ये लहरें किसी धात से टकराती हैं तो एक मखसूस किस्म की गूंज पैदा होती है। इसी अमल से माहरीन अंदाजा लगाते हैं कि जमीन के अंदर कोई धात मौजूद भी है या नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि हर कोई इस टेक्नोलॉजी के जरिए सोने की तलाश में निकल खड़ा हो, बल्कि ये काम हुकूमत वक्त की इजाजत से ही होता है और पाकिस्तान में ये काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम ही कर सकती है, जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के 50% हिस्से का सर्वे कर लिया है और बहुत सी धातें तलाश की हैं। जब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम कंफर्म कर देती है कि इस जगह जेरे जमीन सोने के जखायर मौजूद हैं, तो फिर उस सोने को जमीन के अंदर से निकालने का लाए अमल तरतीब दिया जाता है। जेरे जमीन सोने को निकालने के लिए धमाके करके चट्टानों को तोड़ा जाता है। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि खुदाई करने के बाद सोने के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल सोना निकालने के लिए जमीन को 300 से 500 मीटर की गहराई तक खोदना पड़ता है। इसके बाद इस गहराई से बड़े पत्थरों को निकाला जाता है। इसकी वजह यह है कि सोना किसी भी जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता। इन पत्थरों को बाहर निकालने के बाद इन्हें मशीन में डालकर बारीक रेत की शक्ल में पीसा जाता है और इस काम को करने के लिए कई घंटे और हैवी मशीनरी दरकार होती है। दोस्तों, फिर इन पत्थरों से सोने के जरात को अलग करने की बारी आती है। इस काम के लिए एक खास किस्म का वाइब्रेटिंग टेबल इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबल पर कंबल नुमा एक कपड़ा बिछा होता है। इस कपड़े को गीला किया जाता है, फिर रेत की तरह पीसे गए इन पत्थरों को इस कंबल नुमा कपड़े पर बिछा दिया जाता है और जब गीले जरात इस कंबल नुमा कपड़े पर से गुजरते हैं तो सोने के नन्हे जरात उस कपड़े पर चिपक जाते हैं और बाकी का पत्थर पानी के प्रेशर से बाहर निकल जाता है। इस अमल को कई कई मर्तबा दोहराया जाता है, यहां तक कि सोना और पत्थर बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। सोना हासिल करने का अगला अमल उस कंबल को धोना होता है। पानी में कंबल को धोने से सोने के जरात अलहदा हो जाते हैं और इसके बाद इन जरात को पिघलाकर बिस्किट्स और दीगर शक्लों में ढालकर महफूज कर लिया जाता है। क्या आपके इल्म में है कि सोने के बिस्किट के अलावा सोने के जेवरात जो आप खरीदते हैं उनमें आपको खालिस सोना नहीं मिलता,
लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह होती है कि खालिस सोने से कोई भी चीज बनाना इंतहाई कठिन होता है, इसलिए इसमें किसी दूसरी धात की आमेजिश की जाती है ताकि इसको जेवर की शक्ल में या किसी भी साख्त में ढाला जा सके। रॉ गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड बिस्किट या कोई भी पुरानी ज्वेलरी को एक भट्टी में पिघला दिया जाता है। उस भट्टी का दर्जा हरारत इस कदर ज्यादा होता है कि ठोस सोना चंद मिनट के अंदर पिघलकर पानी हो जाता है और फिर उस पिघले हुए सोने को मुख्तलिफ सांचों में ढाल दिया जाता है ताकि वो साख्त में ढल जाए। गोल्ड मेकिंग प्रोसेस देखने और सुनने में तो बहुत आसान लगता है, मगर है बहुत मुश्किल। असल काम इसके बाद शुरू होता है जब सोने से बनी इन रॉ चीजों पर पॉलिश की रगड़ाई और डिजाइन का मरहला दरपेश होता है। सोने की अंगूठी हो या खूबसूरत कंगन, इनके डिजाइन और इनकी पॉलिश मशीन के जरिए और हाथ के साथ भी की जाती है। मशीन के जरिए प्रोसेस काफी तेज तर होता है और इसमें सोने का ज्या भी कम से कम तर होता है। प्यारे साथियों, यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों होता है? तो इसका जवाब यह है कि दुनिया में यह असूल कार फरमा है कि जो भी धात जितनी मुश्किल से और जितनी कम मिकदार में दस्तयाब होगी वो उतने ही महंगे दामों फरोख्त होगी। यही वजह है कि जिन ममालिक में सोने के जखायर मौजूद हैं वहां से सोना निकलता है तो उन ममालिक में सोने की कीमत दूसरे ममालिक की निस्बत कदरे कम होती है। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सोना किन इलाकों में बकसरत मौजूद है? पाकिस्तान में सोने के सबसे बड़े जखायर सूबा बलोचिस्तान में पाए जाते हैं, जहां दो बड़ी कानें मौजूद हैं जिनमें से एक रेकोडिक जबकि दूसरी सैंडिक के नाम से जानी जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेकोडिक कान में इतना सोना मौजूद है कि हम आसानी से 56 टन सोना रोजाना की बुनियाद पर भी निकाल सकते हैं, मगर हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे हैं। इसी वजह से बलोचिस्तान से सोना निकालने का प्रोसेस अभी ताखीर का शिकार है और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो गए तो यकीन कीजिए कि कर्ज उतारना तो एक तरफ, पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्ज देने की पोजीशन में आ जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान सोना इंपोर्ट करता है इसलिए कि पाकिस्तान में सोने के जखायर कम हैं और यहां पर सोने की कीमत भी काफी ज्यादा है। अमेरिका वो मुल्क है जिसके पास सोने का स्टॉक सबसे ज्यादा है। अमेरिकन सेंट्रल बैंक में सोने का स्टॉक तकरीबन 8,000 टन है, जो कि दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्क जर्मनी से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। अमेरिका को देखते हुए दूसरे ममालिक ने भी सोने की अहमियत समझ ली है। चुनांचे चाइना के सेंट्रल बैंक ने भी 2000 टन तक सोना स्टॉक कर लिया है। यही वजह है कि आज चीन अमेरिका को टक्कर देने की सलाहियत रखता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।